बाल हनुमान जी की बहुत सी कहानियां आप सबने सुन रखी हैं। किस तरह से उन्होंने वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर पवन देव की कृपा से जन्म लिया। फिर एक बार भूख लगने पर सूर्य देव को ही फल समझकर खाने चल पड़े थे और रास्ता रोकने पर उन्होंने राहु की पिटाई भी कर दी थी। उनको रोकने के लिए इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया जिससे वो मूर्छित होकर जमीन की तरफ गिरने लगे और पवन देव ने उनको बचाया। इंद्र से क्रोधित होकर पवन देव ने सारी सृष्टि की वायु को रोक दिया। बाद में सब देवताओं ने बाल हनुमान को बहुत सारे वरदान दिए जिससे खुश होकर पवन देव ने वायु का प्रवाह दोबारा शुरू कर दिया। इतनी अधिक शक्ति मिलने पर बाल हनुमान जी और भी नटखट हो गए। वो हमेशा निर्बलों की रक्षा और दुष्टों की धुनाई करते थे। ये बात अलग है कि कभी कभी बचपने की वजह से कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता था। आइए अब आपको हनुमान जी के बचपन से जुड़ी ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी रोचक कहानियां सुनाने नहीं दिखाने के लिए उन्हीं के बचपन में लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले सब लोग मेरे साथ जोर से कहिए बजरंग बली की जय। पक्षियों में भगदड़ कैसी?
बहुत पछताओगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मार खा कर ही सुधरोगे। खा खा कर